नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो लोग RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ में हम लोगों ने 1000 क्वेश्चंस कवर करने की पूरी कोशिश की है। 1000 क्वेश्चंस का पूरा एक बंच आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों 10 वीडियो होंगे और हर वीडियो में 100 क्वेश्चंस होंगे। ऐसे आपके 1000 क्वेश्चंस पूरे हम लोग कवर कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं ये बताता चलूं कि 1 से लेके 400 तक हम लोग क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो से हमारे नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपको वो वीडियो की लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मैंने उसे आई के बटन पर भी ऐड कर दिया है, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करें, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ताप के सेल्सियस पैमाने पर शून्य ताप होता है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस। जो ताप का सेल्सियस पैमाना परम शून्य ताप होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान को, इन राज्यों में से युग्म की को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन मिल नहीं रहा है, कौन सी जो जोड़ी है वो गलत जोड़ी है। चलिए इसको देख लेते हैं, रे वियतनाम या फिर रोका ब्राजील, कैंगिन फिलीपींस या लदांग म्यांमार। चलिए इसका फटाफट आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, रे वियतनाम जो है वो भी सही जोड़ी है, रोका ब्राजील जो है वो भी सही है, कैंगिन फिलीपींस जो है ये भी सही जोड़ी है। इसका ये जो है, ये वाली जो है लदांग और म्यांमार, ये जो है आपकी सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका लदांग म्यांमार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों, कहाँ पर अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, इसी ये जाती है हरियाणा में, ये अधिसूचित जनजाति यहाँ पर नहीं पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाह लिखी। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स, अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाह किसने लिखी थी। चलिए फटाफट इसका उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर है फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाह लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है। चलिए किस चीज़ का उत्पादक है, उत्तर देंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, गन्ने का हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर वह क्या हो जाता है। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दोस्तों, जलती हुई सीख को अगर नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाते हैं तो वो बुझ जाती है, क्या हो जाता है, बुझ जाती है वो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ट्यूब लाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है, कितना भाग परिवर्तित होता है, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 60 से 70% भाग जो है वो परिवर्तित हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है आपके पास, मीना माता रोग किसके कारण होता है, ये किसके कारण होता है, फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, जब पारा बढ़ जाता है तो मीना माता रोग आपको हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था। चलिए इनमें से कौन संबद्ध था, फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कर्नल स्लीमैन जो था वो संबद्ध था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास,
भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है वो, फटाफट इसका आंसर बताएंगे, फटाफट उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, NH6। NH6 जो है वो भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आएगा हमारे पास ये है, भारत में रिसर्च की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा स्ट्राइड नामक पहल की घोषणा की गई है? चलिए फटाफट उत्तर देंगे, किस किसके द्वारा की गई है स्ट्राइड की। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, यूजीसी। यूजीसी जो है उसके द्वारा स्ट्राइड की पहल की गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? चलिए मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो आपकी मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथि वाहिनी विहीन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, मानव का जैविक नाम क्या है? इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर देंगे मुझे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, मानव का जो जैविक नाम है वो है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है वो मानव का जैविक नाम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है हमारे पास कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गई है? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, फटाफट उत्तर देंगे। चलिए उत्तर देख लेते हैं, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? चलिए फटाफट इसका उत्तर देंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और सरल प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देते हैं, इसका उत्तर है GV मावलंकर। GV मावलंकर जो थे वो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है? चलिए फटाफट, काय पे बुरा प्रभाव पड़ेगा फटाफट आप बताएंगे। चलिए उत्तर देंगे, लीवर। सब जानते हैं कि शराब पीने से लीवर सड़ता है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इथाइल अल्कोहल क्या है, एक तरीके से शराब ही है। CH3OH जो है आपका शराब है, तो CH3OH का जो प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ता है? लीवर पर पड़ता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन जो था वो अंतिम बौद्ध राजा था और जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? इनमें से कौन सी गैस जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, CO2। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपकी, वो आपकी वायु को प्रदूषित नहीं करती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाई जाती हैं? चलिए फटाफट उत्तर देंगे इसका दोस्तों, जूलॉजी का क्वेश्चन है ये, फटाफट उत्तर देंगे इसका है, फुफ्फुस शिरा जो है वो रक्त वाहिकाएं हैं जो साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए बताएंगे फटाफट आंसर दोस्तों, किस नदी पर बोयोमा जलप्रपात स्थित है, फटाफट उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, जैरे। जैरे जो है वो जैरे नदी पर बोयोमा जलप्रपात स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? चलिए आंसर बताएंगे, शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है? चलिए मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका है प्रमस्तिष्क जो है वो मनुष्य का दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, इनमें से किन सिद्धांत पर आपकी रडार की कार्य प्रणाली आधारित है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है, परावर्तन जो होता है रेडियो तरंगों का, उस पर निर्भर होती है रडार की कार्य प्रणाली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। रॉबर्ट ओ ब्रायन, रॉबर्ट रॉबर्ट ओ ब्रायन जो है उसे नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है ट्रंप ने। अच्छा क्वेश्चन था, सितंबर 2019 का करंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, किस शासक के कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, धंगदेव, धंगदेव ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। चलिए कौन सा है, फटाफट आंसर बताएंगे, पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए उत्तर बताएंगे, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, दसवां, दसवां संविधान संशोधन अधिनियम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, चलिए कौन हो जाता है, उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कंटक चूहा, जो कंटक चूहा जो रहता है वो अपने जो खतरे के समय जो बिल्कुल एकदम जो स्तनधारी के जो खतरे के संकेत के समय जो गेंद के समान हो जाता है, अपने आप को बिल्कुल गोल सा बना लेता है, वो होता है कंटक चूहा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। चलिए इनमें से फटाफट बताएंगे किनको प्राप्त है, संसद को, संसद को प्राप्त है। संसद में ये पूरा नियम पूरा रखा जाता है कि भाई अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है तो वहाँ पर संसद में पूरा प्रस्ताव रखा जाता है, उसके बाद प्रस्ताव को पूरा सही से पढ़ने समझने के बाद जो स्पीकर रहता है वो इस पर अंतिम निर्णय लेता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में किस देश द्वारा सुरक्षित ऑनलाइन कंटेंट के लिए वाइट पेपर जारी किया गया। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका उत्तर देख लेते हैं, इसका उत्तर है ब्रिटेन, ब्रिटेन द्वारा व्हाइट पेपर जारी किया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपुष्पी पादपों को रखा गया, अपुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दोस्तों, क्रिप्टो गेम्स में, क्रिप्टो गेम्स में अपुष्पी पादपों को रखा गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, किस श्रेणी में रखा जाता है, फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा क्षेत्र में मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को रखा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए फटाफट रेखा बताएंगे इनकी कि कौन सी सही जोड़ी नहीं है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग, शांत ज्वालामुखी देवमंद, जागृत ज्वालामुखी स्ट्रॉम्बोली, या प्रसुप्त ज्वालामुखी क्रक्टकॉव, या निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना। तो ये जो निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना है ये आपकी सही जोड़ी नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है, शानदार युग का अंत किसे माना जाता है, फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर आएगा दोस्तों तालीकोटा का युद्ध, जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसे विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न देखते हैं अगला, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, ये फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों, ये बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट उत्तर देंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, वान झील, वान झील जो है वो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने के प्रवृत्ति को कहा कहते हैं, क्या कहते हैं, फटाफट उत्तर बताएंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोसेस रहती है उसको क्या बोलते हैं, अवकरण, अवकरण बोलते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, कर की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, फटाफट उत्तर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए उत्तर उसका उत्तर देख लेते हैं, जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन ने भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा, फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अतिचालक, अतिचालक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, रबड़ को वल्नीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, प्रयुक्त तत्व कौन सा है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, सल्फर, सल्फर जो है वो प्रयुक्त तत्व है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे अतः यह स्थिति, ये स्थिति क्या कहलाती है, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, कहाँ उपलब्ध नहीं है। चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों, कहाँ पर उपलब्ध नहीं है, BISL भद्रावती को
आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, कौन सा भाग जो है वो दिखाई देता है, कौन सा भाग जो है वो दिखाई देता है। फटाफट इसका उत्तर बताएंगे, किरीट कोरोना। जो किरीट कोरोना है वो आपका सूर्य ग्रहण के समय वो जो भाग रहता है सूर्य का वो दिखाई देता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश का पहला मेक इन इंडिया मेट्रो कोच लॉन्च किया। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, मुंबई। मुंबई में हाल ही में मेक इन इंडिया मेट्रो कोच लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, मालाबार तटीय प्रदेश में लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बट गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, राज्यक्षय और हड़प नीति या फिर जप्ती सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी। चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, 9वीं-10वीं का हिस्ट्री का प्रश्न है दोस्तों, फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी इसका उत्तर है, डलहौजी ने आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी दी थी। चलिए दोस्तों इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। चलिए भारत का फटाफट सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है, मुंबई में सबसे बड़ा बंदरगाह है। और दूसरा बंदरगाह जो सबसे बड़ा है वो कहाँ पर है, जिसके तटीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो है चेन्नई में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मदद है। चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, केंद्रीय आयोजना जो है केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मदद है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर लगाया गया था उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, बालीगंज में लगाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे पास। अगला प्रश्न आ रहा है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है कब की जा सकती है। इसका उत्तर बताएंगे, संसद में किसी एक सदन में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्षुधित पाषाण यानी हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन थे। चलिए फटाफट बताएंगे इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर थे आपके क्षुधित पाषाण यानी हंगरी स्टोन्स के रचयिता थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये डेल्टा कहाँ से शुरू होता है। चलिए डेल्टा कहाँ से शुरू होगा, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, गौर से शुरू होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। चलिए इसका उत्तर बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, झांसी में उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे, फटाफट इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर है दोस्तों, 1951 और 52 में प्रथम आम चुनाव किए गए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी 1420 से 21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, देवराय पहले जो थे वो आपके विजयनगर सम्राट के शासनकाल में उनकी विजयनगर की यात्रा निकाली गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक इनमें से कोई नहीं है, फटाफट उत्तर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, डिग्री सेल्सियस जो है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है, जो जूल है वो भी एनर्जी का मात्रक है, किलो कैलोरी जो है वो भी है, लेकिन जो डिग्री सेल्सियस जो है आपका टेम्परेचर का मात्रक है, तो इसका सही उत्तर जो आएगा वो आएगा आपका डिग्री सेल्सियस।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है भील सेवा मंडल। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अमृतलाल मिठल दास। अमृतलाल मिठल दास जो थे उन्होंने भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा किसने की? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, रंगनाथ टिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों, अभयारण्य से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। चलिए फटाफट बताएंगे उसका उत्तर, इसका उत्तर देख लेते हैं, कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? चलिए फटाफट कहाँ करता है फटाफट उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 310 जो है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के के अंतर्गत हमारी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राज्य में? चलिए इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर देख लेते हैं, 155 के तहत, 155 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्तियां राज्य में की जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है? चलिए किस कहाँ से हुआ है फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों, जीवों के श्वसन से। जो जीव हैं वो जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो जब हम जीव सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, तो ये जीवों के श्वसन से CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा का जो है किलोवाट घंटा उसकी इकाई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार को अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया है फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, इसका उत्तर है रोमिला थापर को अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों, इसका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। अच्छा प्रश्न है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अरविंद घोष जो ऐसे सबसे पहले क्रांतिकारी थे जो पहले तो क्रांतिकारी थे और फिर बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? चलिए फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 31वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निर्माण में से कौन बादशाह था? जब भारत का निर्माण हुआ तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अकबर जो था वो राजा था, उसके शासनकाल में जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे भारत में घुसे थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किन दो कार्बन यौगिक के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, एसिटिलीन और बेंजीन जो है वो दो कार्बन यौगिक के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वेनसोंग के कांची प्रवास के समय पांडव शासक थे चलिए उत्तर देंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, महेंद्र वर्मन द्वितीय जो थे वो वेनसांग के कांची प्रवास के समय पांडव शासक थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन आजाद हिंद फौज
INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उससे संबंधित है। इनमें से कौन जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, इसका उत्तर देख लेते पहले। इसका उत्तर है आरसी दत्त। आरसी दत्त जो है वो आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। इसमें से गुरदयाल सिंह ढिल्लो जो है वो संबंधित थे, शाहनवाज खान जो भी वो भी थे, जनरल मोहन सिंह वो भी थे, लेकिन जो आरसी दत्त है वो इससे संबंधित नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, किसके लिए दिखाई देता है? फटाफट इसका उत्तर देखें बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर है 24 घंटे के लिए दिखाई देता है। 21 जून को दिन का जो प्रकाश है उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, और सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से अगर ये दिखाई देता है तो ये उज्जैन में जो जंतर मंतर स्थित है, मध्य प्रदेश के जो उज्जैन में यंतर मंतर स्थित है वहाँ पर ये बहुत ही साफ और बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि उधर से कर्क रेखा गुजरी है। और दोस्तों वहाँ पे आपकी कुछ मिनट के लिए आपकी बिल्कुल जो परछाई है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, हाल ही में भारत की किस पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया। दोस्तों क्वेश्चन अगस्त 2019 का है और आप इसका उत्तर बताएंगे फटाफट। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य का हाल ही में अभी निधन हो गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध कंपनी सोनी द्वारा जापान में हाल ही में किस नाम से टैक्सी सेवा आरंभ की गई? चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे, ये भी करंट का क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर बताएंगे, एस राइड। एस राइड नाम से टैक्सी सेवा आरंभ की गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरबर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था। चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, जलवायु। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, निम्न में से किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न का उत्तर देंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर बताते हैं, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, विवाह संविद श्रम कल्याण आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों किस सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप पर समानुपाती होता है। चलिए इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, चार्ल्स का नियम। जो चार्ल्स का नियम है उस पर आधारित होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? चलिए इसका उत्तर फटाफट उत्तर देंगे दोस्तों, इसका उत्तर है पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद आपके फ्रेंच आए, उसके बाद आपके डच आए, और फिर आपका ब्रिटिश आए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। चलिए कौन कड़ी होता है सबसे पहले उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों, इसका उत्तर देख लेते हैं, मुख्यमंत्री। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद की जो बीच की कड़ी होता है वो मुख्यमंत्री होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची के अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? चलिए इसका फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है वो मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा जो तेल शोधन तेल का जो शोध करता है, तेल पे जो शोध करता है वो, उसका कारखाना सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से? इसका उत्तर देख लेते हैं, IOC बड़ोदरा। जो बड़ोदरा में है वो सबसे बड़ा तेल शोध का कारखाना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? फटाफट बताएंगे किस राज्य में स्थित है दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, केरल में। केरल में ये जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है वो वहाँ पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, निम्न में कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो ऐसी गैस है जो हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास देख लेते हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कहाँ पर स्थित है।
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, पन्ना, पन्ना में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। चलिए दोस्तों फटाफट इसका बताएंगे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। टिस्को, टिस्को जो है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्ष 1953 को जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कौन सी थी उसकी राजधानी। इसका उत्तर है कुरनूल। कुरनूल जो थी, जब आंध्र प्रदेश जो 1953 में अलग राज्य बना तब उसकी कुरनूल राजधानी थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया। इनमें से कौन सा वो मुगल शासक है जिसने दो बार शासन किया है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, हुमायूं। हुमायूं जो था वो मुगल शासक था जिसने दो बार शासन किया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है उसका उत्तर बताएंगे फटाफट, कहाँ पर है वो। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में आपको हड़प्पा की जो संस्कृति है वो वहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है। चलिए फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर है दोस्तों मिथेनॉल। मिथेनॉल जो है वो आपका कार्बन यौगिक CH3OH का IUPAC नाम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, ये इसका उत्तर है। जो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, जो लोहा है वो भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष जो है वो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है 1921। 1921 वा जो वर्ष है वो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। इनमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है, फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, आर्कटिक। आर्कटिक जो है सबसे छोटा महासागर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, लाल नदी यानी कि रेड रिवर किस देश में बहती है। लाल नदी किस देश में बहती है, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, वियतनाम। वियतनाम में रेड रिवर बहती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। चलिए इसका फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, पापागयो। पापागयो जो है वो आपका ऐसी हवा है जिसमें चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंक ऑफ बैंक इसको कहा जाता है, फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। भारतीय रिजर्व बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे बैंक ऑफ बैंक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। चलिए इसका बताएंगे दोस्तों फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी वो वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, फटाफट इसमें बताएंगे कौन सुमेलित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, अर्जेंटीना पम्प्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स या ब्राजील लानोज। इसका उत्तर है ब्राजील लानोज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका के एक टोही ड्रोन को मार गिराया जिससे दोनों देशों के मध्य तल्खी बढ़ गई। चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में। अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, जून 2019 का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ईरान। ईरान जो है वो देश ने अमेरिका के एक टोही ड्रोन को मार गिराया जिससे दोनों देशों के मध्य तल्खी बढ़ गई। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हमने पूरे 500 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं हमारे सीरीज के, अब 500 क्वेश्चंस और बचे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। लेकिन दोस्तों अगर उससे पहले आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूले। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं विदा लेता हूं आपसे कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।